Hello everyone, welcome on ESP, that's English Skills Point. Today in this video, the sentence is like, आपको अपना काम करने में कितना समय लगेगा, आपको नया घर बनाने में कितना समय लगेगा, इस प्रश्न को हल करने में आपको कितना समय लगेगा, आपको घर के काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, आपको पाठ पूरा करने में कितना समय लगेगा. So you have noticed that in all these sentences, the last phrase, कितना समय लगेगा, is repeating again and again. So for these phrase we will use how long will you take, then we will use to and then verb ki first form and then other words. Let's see some sentences like this. Aapko apna karya karne mein kitna samay lagega. How long will you take to complete this work? Aapko naya ghar banane mein kitna samay lagega. How long will you take to construct a new house? या फिर कंस्ट्रक्ट की जगह आप बिल्ड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको इस प्रश्न को हल करने में कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू सॉल्व दिस सम. तो यू हैव टू प्रैक्टिस द फ्रेज हाउ लॉन्ग विल यू टेक इन फ्लुएंटली लाइक दिस. हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग यू विल यू टेक. सो रिपीट दिस सेंटेंसेज अगेन एंड अगेन टू बिल्ड अप योर फ्लुएंसी. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स. आपको घर के काम करने में कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम्प्लीट हाउस होल्ड चोर्स. हाउस होल्ड चोर्स, स्पीक लाइक दिस, हाउस होल्ड चोर्स. आपको पत्र लिखवाने में कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डिक्टेट द लेटर. आपको घर आने में कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम एट होम. आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश. आपको होमवर्क पूरा करने में कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम्प्लीट द होमवर्क. सो रिपीट अगेन दिस सेंटेंसेस लाइक दिस. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम्प्लीट हाउस होल्ड चोर्स. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डिक्टेट द लेटर. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम एट होम. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश. हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम्प्लीट द होमवर्क. अभी तक हमने जो सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए थे वो सभी फ्यूचर टेंस में थे और उन सभी के पीछे हमने नोटिस किया था कि लगेगा लगेगा शब्द बार बार आ रहा था. अब जो है इसी एक्सप्रेशन को हम पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं. जैसे ओके, लेट्स सी हाउ टू यूज दिस एक्सप्रेशन इन पास्ट टेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जैसे आपको हिसार पहुँचने में कितना समय लगा था. How long did you take to reach Hisar? आपको अपना कार्य पूरा करने में कितना समय लगा था. How long did you take to complete this work? आपको सिलेबस पूरा करने में कितना समय लगा था. How long did you take to complete this syllabus? आपको यह सूट सिलने में कितना समय लगा था. How long did you take to stitch this suit? आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा था. How long did you take to learn English? You can repeat these sentences again and again. Now we will learn how to use this expression in present tense, because we use this expression in present, past and future frequently in our day-to-day life. So let's see example of present tenses. उसे घर पहुंचने में कितना समय लगता है. How long does he take to reach home? तुम्हें खाना खाने में कितना समय लगता है. हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू ईट द फूड. मोहन पेंट कितने समय में कर देता है. हाउ लॉन्ग डज मोहन टेक टू पेंट. वह सब्जी कितने समय में बना लेती है. हाउ लॉन्ग डज सी टेक टू कुक द वेजिटेबल. होप सो यू हैव क्लियर द एक्सप्रेशन हाउ लॉन्ग डू यू टेक, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक एंड हाउ लॉन्ग विल यू टेक इन. ओके, नाउ इज होमवर्क सेशन टू चेक योर नॉलेज. उसे तैयार होने में कितना समय लगेगा. उसे तैयार होने में कितना समय लगता था. उसे तैयार होने में कितना समय लगता है. जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हाउ लॉन्ग एंड ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.